रोहतक में भ्रष्टाचार के खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल गृह मंत्री जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक में शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे, जहां बैठक शुरू होते ही गृह मंत्री एक्शन मोड में नजर आए और पेयजल सप्लाई में गड़बड़ी पाए जाने पर एचएसवीपी के 10 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अब जो पाइपलाइन डाली गई थी उसमें जिन जिन कर्मचारियों के नाम थे उनको सस्पेंड किया है, एक पवन कुमार को किया है, वो जो मर्डर हुआ है और उसने उनको साथ मिसबिहेव भी किया और उनका पर्चा दर्ज किया। ये उनकी पार्टी का विषय है, अब वो क्या करते हैं, अब इकट्ठे डूबते हैं या एक एक करके डूबते हैं, मुझे कुछ देखिए ऐसा है, सपने लेने पर विश्व के किसी भी देश में टैक्स नहीं है, इसलिए अगर इन्होंने सपने ले रहे हैं तो लेते रहे, कौन रोकता है। प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी का तो जो हाल होगा पंजाब में और बाकी जगहों पर वो जल्दी पता लग जाएगा। अगर इनमें दम होता तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खड़े किए थे, वहां क्यों नहीं जीत गए, उत्तराखंड में क्यों नहीं जीत गए, गोवा में क्यों नहीं जीत गए, मिजोरम में क्यों नहीं जीत गए। पंजाब के तो कुछ अलग कारण थे और वो भी जल्दी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे, जिस प्रकार के झूठे सपने दिखा के लोगों को इन्होंने लोगों की वोटें लूटी हैं, तो पंजाब का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है